हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ SBI क्रेडिट कार्ड में एड्रेस चेंज कैसे करें। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत से लोगों ने मुझे DM भी किया है, तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको एंड तक देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो SBI के क्रेडिट कार्ड में एक जीमेल के थ्रू। तो दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीमेल ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, आपके मोबाइल में आपको सबसे पहले जीमेल ओपन करना है और फिर कंपोज ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, सारी डिटेल्स आपको मैं दे रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो आपके SBI क्रेडिट कार्ड में नाम था, आपको वही नाम लिखना है दोस्तों, सरनेम के साथ। उसके बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर दोस्तों आपको अपना रजिस्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ही आपको मैसेज आएगा या फिर ईमेल भी आ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट डालना है। रिक्वेस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर मेरा कॉपी करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, प्लीज़ चेंज माय एड्रेस इन SBI क्रेडिट कार्ड। इतना ही आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आप अपना न्यू एड्रेस डालोगे। एड्रेस डालते वक्त ये ध्यान में रहे दोस्तों कि एड्रेस आपको प्रॉपर डालना है, क्योंकि वो एड्रेस बार बार चेंज नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो आपको एड्रेस आपका अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डालना है। यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है, रूम नंबर और जो भी आपकी बिल्डिंग या जो भी कॉलोनी और आसपास नियर मतलब लैंडमार्क, वो सब अच्छे से आपको यहाँ पे लिख देना है अपना एड्रेस में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में छोटा सा लिखना है, यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एड्रेस चेंज इन SBI क्रेडिट कार्ड, आपको इतना ही लिखना है दोस्तों। ये पूरा लिखने के बाद अपना ईमेल अच्छे से चेक कर लेना, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप डालोगे ईमेल आईडी SBI की, जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, तो आपको ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा कि सेंड करने के बाद क्या रिप्लाई आता है। तो देख सकते हो ईमेल आईडी कैसी है, क्या है, customercare@sbicard.com। इतना ही आपको लिखना है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और जब आप सेंड करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे मैसेज क्या आया है SBI वाले की तरफ से, और सेंड में भी जाके आप अपना देख सकते हो आपने जो भी भेजा है। तो दोस्तों, ये सेंड में आप जब देखते हो तो मालूम पड़ जाएगा कि आपका ईमेल सेंड हो गया है। जब सेंड करोगे तो 10 से 15 मिनट में आपको आ जाएगा ईमेल, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या आया है। इंटरेक्शन आईडी भी दी गई है आपको, और यहाँ पे लिखा है, डियर SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, योर फीडबैक एंड क्वेरीज आर इम्पॉर्टेंट, आवर कस्टमर सर्विस टीम विल रिफर आफ्टर थ्रू अ कॉल और ईमेल विद इन 3 डेज। वो लोग बोल रहे हैं थैंक यू, आपने ईमेल लिख दिया है और कस्टमर सर्विस जो टीम है उनकी, वो आपको कॉल करेगी या ईमेल करेगी 3 दिनों के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। 3 दिन में आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय गाइस।